प्यारे बच्चों, सनअतों में कच्चा माल लिया जाता है और इस पर अमल करके नया माल तैयार किया जाता है। कुम्हार मटके बनाता है, ये भी एक किस्म की सनअत है। मटका बनाते वक्त कुम्हार क्या करता है, क्या तुमने देखा है? चलिए हम देखते हैं। कुम्हार पहले अच्छी मिट्टी हासिल करता है। मटके अच्छे बने इसलिए मिट्टी में कुछ और चीज़ें मिलाता है। इसमें पानी मिलाकर गारा बनाता है, इसे मिट्टी को गोंदना कहते हैं। गोंदी हुई मिट्टी चाक पर घुमाकर इस पर मटका तैयार करता है। कच्चा मटका पकाकर मजबूत करता है। तैयार मटका। मटका बनाने के पेशे में कच्चा माल है मिट्टी और पक्का माल है मटका। कच्चे माल मिट्टी से पक्का माल मटका तैयार किया जाता है। इसकी तैयारी के लिए जो अमल किया जाता है वही सनत है। जिस तरह कुम्हार ने मटका बनाया उसी तरह लकड़ी, बांस, फूल वगैरह से कई चीज़ें तैयार की जाती है। जो चीज़ें छोटे पैमाने पर घरों में तैयार की जाती है उन्हें दस्ती सनअतें या छोटी सनअतें कहा जाता है। कुछ कारखाने बड़े होते हैं, वहाँ कई लोग मशीनों की मदद से काम करते हैं। तुम्हारे स्कूल की बस, साइकिल, बयाज, किताबों का कागज़ जैसी चीज़ें कारखाने में तैयार होती है। प्यारे बच्चों, अपने ज़िले का नक्शा हासिल करके इस नक्शे में दर्ज ज़िल मालूमात की निशानदेही करो। कपड़े की मिल या शक्कर के कारखाने और कोई चीज़ बनाने के कारखाने, कोई यात्रा या उर्स का मुकाम, पहाड़ी या बुलंदी का मुकाम।